हाँ जी, राम राम सा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमन लता यादव हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद करती हूँ आप सब अपनी अपनी जगह कुशल मंगल होंगे। जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग भी हो गई है, और राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मनीषा, निकिता सब आ गए, बिल्कुल फटाफट आ जाओ, वीडियो शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब भी कर दो। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है जी। संजय जी, सबको बहुत आशीर्वाद। हेलो बुलबुल। हाँ, तो आज की मैराथन, और मैराथन भी उस टॉपिक की जिसे हम ये कह सकते हैं, मैम यही सबसे वीक है हमारा टॉपिक, तो हमें उस पर बात करनी है यहाँ से। चलिए तो बात कर लेंगे। अच्छे हैं सभी? वेरी गुड, बढ़िया है, अच्छा ही रहना चाहिए। ओके, तो शुरू कर ले हम। बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छे शुरू करें क्वेश्चंस की। हाँ वैशा, थोड़ा सा बेटा मैं लेट हो गई। चलिए पहला प्रश्न आपके लिए, बिना लेट के शुरुआत कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, हम विष्पाई जन्म के कृति के कृतिकार हैं उदय शंकर भट्ट, दुष्यंत कुमार, बालकृष्ण शर्मा नवीन और श्रीधर पाठक। ये ऑप्शन है, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। मैं भी आप सभी की दुआओं से बच्चों ठीक हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक है। बी और सी दो मेरे पास आंसर आ रहे हैं, हम विष्पाई जन्म के दुष्यंत कुमार और बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये दो उत्तर आए हैं। मुझे पता था यहाँ दो जगह आपसे कंफ्यूजन होगा। मैं आपको बता देती हूँ, दुष्यंत कुमार जी ने एक गीति नाट्य लिखा था बच्चों। क्या लिखा है इन्होंने? गीति नाट्य। और इनका जो गीति नाट्य है वो है एक कंठ विष्पाई। अंतर समझ लेना, अब नहीं गड़बड़ होगा। इन्होंने लिखा था एक कंठ विष्पाई, एमए के अंदर भी बहुत टाइम तक ये रहा। यहाँ बात करें बालकृष्ण शर्मा नवीन, नवीन इनका क्या है उपनाम है, कुमकुम वगैरह जैसे काव्य की इन्होंने सबसे पहले रचना की। और यहाँ बात करें हम विष्पाई जन्म के, ये किसकी रचना है बच्चों? बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। तो दोनों में अंतर आपको पता चल चुका है, तो वो एक कंठ विष्पाई है इनका, तो आपका गड़बड़ हो जाएगा अगर अंतर नहीं ध्यान दिया तो। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा था? डॉक्टर बच्चन सिंह, मिश्रबंधु, नंदुलारी वाजपेयी और डॉक्टर नगेंद्र, ये ऑप्शन है, जल्दी से आंसर दीजिए। हेलो प्रभु, नमस्ते प्रमोद, बिल्कुल फटाफट वीडियो शेयर चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और जल्दी जल्दी उत्तर दे दीजिए। हाँ, दो दिन हो गए सीताराम जी देखे हुए व्हाट्सएप, आई होप आज देखा जाए, देखूंगी जरूर बताऊंगी। डी आप आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड, सभी का आंसर एक है, इसका मतलब यहाँ हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल आप जैसा जानते हैं जागरण सुधार काल कहा गया है, द्विवेदी युग को सेकंड ग्रेड में ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन। कहीं डॉक्टर नगेंद्र की ये क्या है देन है, डॉक्टर नगेंद्र ने इस काल को कहा था जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग का अगर टाइमिंग की बात करें तो 1918 से 1936 सर्वमान्य रूप में बात की, कुछ लोगों ने 1920 से भी माना, बाकी 1918 जो है वहां से हम इसकी क्या करते हैं शुरुआत करते हैं। सॉरी, ये छायावाद की, मैं अभी गड़बड़ कर गई, ये छायावाद की हो गई। और द्विवेदी की बात करें तो 1900 से 1918 ईस्वी, ये किसका टाइमिंग है बच्चों? द्विवेदी काल का है, ये सर्वमान्य टाइम है। 1900 तक भारतेंदु काल का टाइम रहा, तो 1918 से 1936 छायावाद का, और 1900 से 1918 द्विवेदी युग का क्या रहा है टाइम रहा, तो आप इसका टाइम भी याद रख लेंगे, ठीक है। जितेंद्र जी बिल्कुल साफ दिख रहा है,
तो ये मैंने दोनों का छायावाद का भी टाइम बता दिया क्योंकि वो लिखा गया था, ये है द्विवेदी काल का टाइम, ठीक है, द्विवेदी युग का टाइम ये। आधुनिक काल में ब्रजभाषा का अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? चार ऑप्शन बता दीजिए। विधियों की क्लास बिल्कुल प्रभु आएगी, नाम भी बहुत अच्छा है, प्रभु, हे प्रभु। DCA, ओहो यहाँ तो बहुत आंसर आ गए, कुछ डी बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं, कुछ ए बता रहे हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता देती हूँ। चलिए बात करें हम यहाँ से, तो मैं आपको बता देती हूँ, बिल्कुल नाम आएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर, रत्नाकर उपनाम है जो इन्होंने इनको दिया था श्याम सुंदर दास जी ने। इनकी रचनाओं का संकलन, मतलब नाम तो क्या, इनकी रचनाओं का संकलन कर दिया था श्याम सुंदर दास जी ने रत्नाकर के नाम से ही, तो वहीं से है। और कहें आपको पता है बिहारी जी पर इन्होंने लिखा था रचना बिहारी रत्नाकर, तो इनकी प्रसिद्ध रचना है बिहारी सतसई पर जो प्रमाणिक टीका मानी जाती है बिहारी रत्नाकर। इसके अलावा इन्होंने लिखा था उद्धव शतक, तो ये भी इनकी प्रसिद्ध क्या है, रचना है। तो बात करें, लिखा है क्या उद्धव शतक? ब्रज कोकिल जो है वो सत्यनारायण कवि रत्न को बोलते हैं बेटा, आप ध्यान रखिएगा, सत्यनारायण कवि रत्न है जो ब्रज कोकिल के नाम से क्या हुए हैं, प्रसिद्ध हुए हैं। हेलो अन्नु, बेटा मैं आपका मैसेज पूरा नहीं पढ़ पाई। उपनाम जकी है इनका जो अभी आगे आएगा तब हम बात करेंगे उसके ऊपर, तो ध्यान रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है, श्रीधर पाठक भी नहीं है, अंतिम जो है वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है। ब्रज कोकिल नाम से जो प्रसिद्ध हुए वो सत्यनारायण कवि रत्न थे। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद, उक्त पंक्ति किसकी है? आपके पास चार ऑप्शन है, देख लीजिए। उद्धव शतक, ठीक है, गंगा उत्तरण, वेरी गुड। क्या कह रहे हैं मोनिका, तीन दिन से क्लास नहीं आई? हाँ, तीन दिन से मैंने क्लास नहीं ली, लास्ट शुक्रवार को ली थी, कुछ क्लास मतलब टाइम हो गया था। मैं ठीक हूँ, अब फटाफट आप जवाब देते जाइएगा। डी उत्तर आप बता रहे हैं और बी बता रहे हैं, बी और डी आपके दो उत्तर आ रहे हैं। 29 है टाइम, वैसे पढ़ाया तब भी मैंने आपको बताया है। चलिए बात करते हैं, लगभग बच्चों ने बी और डी इसमें दिया है, ए भी दिया है कईयों ने। सबसे पहली बात, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये द्विवेदी काल के क्या है, प्रवर्तक के रूप में आते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी तो प्रवर्तक रूप में आते हैं। सरस्वती पत्रिका का क्या किया था, संपादन किया था इन्होंने 1903 में। अयोध्या सिंह उपाध्याय, बात करें खड़ी बोली को हिंदी में स्थापित करने वालों में नाम आ जाता है। मैथिली शरण गुप्त के भाई सियाराम शरण गुप्त, और ये जो पंक्ति है वो किसकी है, मैथिली शरण गुप्त जी की। मैथिली शरण गुप्त जी के एक निष्ठ गुरु हुए, जो कौन हुए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये इनमें है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी के गुरु हैं। और यहाँ पर जो इन्होंने शब्द लिखा है महावीर, शायद इसीलिए कई बच्चों ने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी यहाँ बोल दिया। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ महावीर दो रूपों में लिया था, एक महावीर जी के लिए और एक हनुमान जी के लिए, तो दो रूपों में यहाँ पर आया है। थैंक यू पुष्पा, आपने क्लास लाइक कर दी तो समझ में आई बात। तो ये पंक्ति जो है वो महावीर जी की नहीं है बल्कि मैथिली शरण गुप्त जी की है। भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छदम नाम से किसने लिखा है,
सेकेंड ग्रेड के टेस्ट रीओपन हो चुके हैं, इवन लगभग 6 दिन हो चुके हैं। क्या लिखा था इस नाम से इन्होंने, ये भी बता दो। आपसे अगला प्रश्न है, गुड, मेरे पास आंसर आ रहे हैं बी और सी इसके अंदर, लेकिन जो भी है इस नाम से इन्होंने लिखा क्या है। ओ थैंक यू पुष्पा, वैसे हंसी हर किसी के चेहरे पर अच्छी लगती है। जितेंद्र जी, मैंने आपको बताया कि साफ दिख रहा है, बट आपकी तरफ से हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। बी और सी दो हैं, ऐप ओपन हो रहा है बिल्कुल, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसे डिलीट करके दोबारा से चला सकते हो। वेरी गुड, स्त्रियों के ऊपर लिखा था, निबंध लिखा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से, जो स्त्री विषयक या नारी विषयक जो उदासीनता है उस पर इन्होंने लिखा था। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि उसी लेख से प्रभावित हुए एक रविंद्रनाथ टैगोर जी के निबंध से प्रभावित होकर मैथिली शरण गुप्त जी ने फिर नारी के उसमें लिखा था। हाँ, कवियों की उर्मिला के प्रति जो उदासीनता है वो इन्होंने लिखा था, इस नाम से निबंध है कवियों की। हाँ बिल्कुल, उर्मिला के प्रति जो उदासीनता है वहां से। और तभी मैं आपको बता दूं इन्होंने लिखा था साकेत, तो वो आप ध्यान रखिएगा। नहीं, ध्यान एक बार रिपीट हो जाए बस, इसीलिए मैंने आपसे वो क्वेश्चन पूछ लिया, बाकी ये मैंने आपको पढ़ाया है। वेरी गुड बुलबुल, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। अगला है आपका, उद्धव शतक किससे संबंधित है। आपके पास है, ये ऐप ओपन हो रहा है, मैंने कहा बेटा कोई प्रॉब्लम है तो ऐप को डिलीट करके फिर डाउनलोड कर लो, बाकी ओपन हो रहा है। वेरी गुड, अभी हमारी बात हुई थी बिल्कुल, जगन्नाथ दास रत्नाकर इन्होंने लिखा है क्या, उद्धव शतक, भक्तिकालीन आख्यान रीतिकालीन कलेवर लेकर आधुनिक काल में इन्होंने उद्धव शतक की रचना की। और कहें कौन सी भाषा में, तो बिल्कुल ब्रज भाषा में इन्होंने इसको लिखा है। तो अभी हमारी बात हुई भी थी ब्रज भाषा के प्रसिद्ध जो अंतिम है, तो नाम आता है जगन्नाथ दास रत्नाकर का। जकी उपनाम से उर्दू में काव्य रचना वाले कवि का नाम क्या है। आपके पास है यहां पर, मेरे पास आंसर सी और डी और बी। देखो, राय देवी प्रसाद पूर्ण की बात करें तो आपको पता है, नहीं पता तो मैं बता दूं, ये प्रकृति चित्रण करने वाले प्रसिद्ध कवि हुए हैं। और प्रकृति चित्रण में इनकी तुलना की गई है सेनापति, जो अगर हम बात करें रीति काल के प्रसिद्ध कवि रहे हैं प्रकृति के। इन्हें आधुनिक काल में जो टक्कर दी है प्रकृति चित्रण में, वो दी है राय देवी प्रसाद पूर्ण ने। जयशंकर प्रसाद जी की बात करें तो छायावाद के प्रमुख स्तंभ में आ जाते हैं। अगली जब हमारी मैराथन होगी तो उसमें हम छायावाद नई कविता ये रखेंगे, उसके बाद एक ऐसा पेपर बनाएंगे जिसमें फिर से आदिकाल से और आधुनिक काल तक के आपके रिपीटेशन में आ जाएंगे। उसके बाद नाटक वगैरह की हम क्या लेकर के आएंगे मैराथन, और बीच में जो मेथड वगैरह के वो भी आती रहेगी। यहाँ बात करें जगन्नाथ दास रत्नाकर, बिल्कुल जकी उपनाम से उर्दू में ये क्या करते थे, रचनाएं करते थे जी। संजना देख लिया बेटा, हाँ मोनिका थैंक यू, ठीक है। ब्रज भाषा का टेनिशन वो मैं यहाँ बता ही रही हूँ, इन्हें ब्रज भाषा का क्या भी कहा श्याम सुंदर दास जी ने, टेनिशन, ब्रज भाषा का टेनिशन कहा जाता है। अलेक्जेंडर पोप के निबंध थे, मैं आपको बता दूं, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, इनका हिंदी अनुवाद भी इन्होंने किया था।
अलेक्जेंडर पोप के निबंधों का, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे इसके अंतर्गत। तो ये इसमें आ चुका है आंसर, इनके कुछ क्वेश्चन हमने रत्नाकर के और बात कर ली है। हिंडोला भी इनकी प्रसिद्ध रचना है रत्नाकर जी की। इतिवृत्तात्मकता इनमें से किस युग की कविता की प्रमुख विशेषता है? चार है, बता दीजिए। वो हो, बहुत ही जोरदार किया। मेरे पास आंसर आ रहे ए और सी दो। मोनिका मैंने आपका देख लिया बेटा, रोज तो नहीं हो सकता है, बट कोशिश हम लोग करेंगे कि हाँ करें जितना हो सके। मेरे पास आंसर आ चुका है सी ए, इसमें चलिए बात करते हैं। द्विवेदी युग, द्विवेदी युग की विशेषता रही है इतिवृत्तात्मकता, यानी ऐसा ही हुआ। वैसे कहें तो विवरणात्मकता भी हम इसको क्या है बोल सकते हैं, या अभिधात्मकता भी इसके अंदर बोला जा सकता है। तो इतिवृत्तात्मकता, विवरणात्मकता, अभिधात्मकता एक ही चीज है जो द्विवेदी युग की है। भारतेंदु युग की जो विशेषता रही है वो रही है, हाँ बिल्कुल, नहीं तो आपने बिल्कुल बता दिया उनको ये आंसर। वैसे ये मैंने लिखवाई भी है, वो पूछ कौन सा बच्चा रहा ये मुझे भी नहीं पता है। भारतेंदु युग की जो रही है वो रही है समस्या पूर्ति सर्वस्व, मतलब समस्या पूर्ति। तो समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की प्रमुख रही है विशेषता, और इतिवृत्तात्मकता जो है वो कौन से काल की रही है? द्विवेदी। तो ये द्विवेदी की रही। माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने किस उपनाम से किया है, यह आपको बताना है। हाँ, समस्या पूर्ति उसकी है द्विवेदी, उसके भारतेंदु काल की प्रमुख विशेषता। ओटीपी नहीं आ रहे, एक बार आप स्विच ऑफ करके एक बार स्विच ऑन कर लो, वो हैंग हो गया होगा इसलिए ओटीपी नहीं आ रहा होगा। वेरी गुड मधु, अब यहां से आपके दो प्रश्न बन चुके हैं। एक, माइकल मधुसूदन के जो रचनाएं हैं उनका अनुवाद किस विद्वान ने किया है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने किस उपनाम से इनकी रचनाओं का अनुवाद किया? तो देखो यहां पर नजर आ चुका है क्या, मधुप, मधुप। कलाधर की बात करें तो ये तो प्रसाद जी का है, उर्दू में इन्होंने वो लिखा था किस नाम से, कलाधर के नाम से। त्रिशूल अभी आएगा आगे। और जकी की बात करें तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का है, त्रिशूल अभी आएगा तब बात करेंगे, क्योंकि फिर नहीं तो फटाफट मुझे पता नहीं चलेगा आप में से किसका गलत होगा। तो यह आंसर है मधु। मैथिली शरण गुप्त की ए तुकांत रचना कौन सी है? चार ऑप्शन है, जरा बता दीजिए। ब्रज भाषा में, अच्छा मैंने उर्दू बोल दिया, सॉरी, हाँ उर्दू मैंने बोला, हाँ वो कलाधर नाम से ब्रज भाषा में, मैंने शायद उर्दू बोला है ना, ब्रज भाषा में प्रसाद ने लिखा, मुझे उर्दू ध्यान है, शायद मैंने उर्दू बोला, मैंने लिख दिया ब्रज भाषा। फटाफट आंसर दें। भारतेंदु मंडल कोई रचना नहीं है कि उसके रचयिता है जी? प्रमोद जी आगे आएगा प्रश्न तब हम बात करेंगे। वीडियो शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। मेरे पास आंसर आ रहा है डी सभी का, मेघनाथ वत। और बता दो जल्दी जल्दी से। अच्छा, तुक्का लगाया था और सही हो गया, एग्जाम में नहीं होगा, अरे ऐसे तुक्का लगा रहा है, हैं? मैथिली शरण गुप्त की एतुकांत रचना कौन सी है?
कुछ बच्चों ने अलग भी आंसर दिए सी। लगभग का सही है। ओहो सी डी में वैसे लड़ाई सी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि दोनों ही बताने पर तुले हुए हैं कि ये कई जगह पता है कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे आंसर मिस्टेक हो जाती है, तो भी मैंने आपके लिए ये ले लिए हैं कि वहां से वो क्लियर हो जाए। एक सी बता रहे हो, एक डी बता रहे हो, ये दो। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि गुप्त जी ने कुल कितने खंड काव्य लिखे, बड़ी बार क्वेश्चन आता है, और महाकाव्य इन्होंने कितने लिखे। तो ये आपके लिए प्रश्न है जो आप मुझे बताएंगे कि खंड काव्य किसने लिखे और इन्होंने महाकाव्य कितने लिखे, किसने, मैथिली शरण गुप्त ने, यह आप बताएंगे। और इनकी जो प्रारंभिक रचनाएं थी वहां से क्वेश्चन आ चुका है, इनकी प्रारंभिक रचनाएं कौन सी पत्रिका के अंतर्गत प्रकाशित होती थी, बाद में तो ठीक है सरस्वती में हुई, वेरी गुड। इन्होंने मैथिली शरण गुप्त जी ने, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो क्योंकि इनमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसलिए मैंने पूछ लिया, 19 खंड काव्य लिखे, महाकाव्य दो लिखे, तो दो महाकाव्य कौन से लिखे, द्वापर विष्णुप्रिया, ये दोनों ही इनके क्या हैं, खंड काव्य हैं। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा, तो महाकाव्य दो हैं, खंड काव्य 19 है, वरना 11 नहीं है बेटा, 19 है, ठीक है। इनकी बिल्कुल अगर बात करें, दो इन्होंने, वेरी गुड, आपने सही बताया, दो महाकाव्य लिखे हैं। नीतू ने नाम भी बता दिया, लेकिन नाम में एक, ठीक है, लिखते वक्त शायद गड़बड़ हुई है, एक तो साकेत आ गया, साकेत का टाइम पूछ सकता है, तो 1912 1940 ऐसे वो देगा, तो वो ध्यान रखना है आपको। और एक है जय भारत, ये दो इन्होंने क्या लिखे, महाकाव्य, जयद्रथ वध इनका खंड काव्य है, तो वो आप ध्यान रखेंगे जी। और प्रारंभिक रचनाएं कौन सी पत्रिका में प्रकाशित होती थी, कि ये पूछा एक बच्चे ने, हेमंत लिखा है, हेमंत नहीं है, वो तो इनकी खड़ी बोली की पहली क्या है, रचना है, तो वो आप छोड़ दीजिए, वेरी गुड। साकेत का टाइम आ चुका है, साकेत 1931 में लिखा, तो बात करें इन्होंने यशोधरा 1932 ईस्वी में लिखा था, यशोधरा महाकाव्य नहीं है, बहुत से बच्चों को ये महाकाव्य लगता है, यशोधरा भी इनका क्या है, खंड काव्य है, पहले सरस्वती में नहीं प्रकाशित होती थी, पहले इनकी जो रचनाएं थी वो वैश्योपकारक एक पत्र है, ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, कलकत्ता से निकलने वाली पत्रिका थी वैश्योपकारक, वहां से हुआ था, वेरी गुड, अभी आंसर आने भी लग गए हैं। बाद में इनकी जो रचनाएं थी वो कौन सी पत्रिका में हुई थी, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो यशोधरा का टाइम बता दिया है। मेघनाथ वध अगर बात करें तो मेघनाथ जो वध है तो ये भी इनका खंड काव्य, बट ये अतुकांत है, तो आंसर था 4 नंबर, अतुकांत होता क्या है, तुकांत जहां पंक्तियों के लास्ट में समान वर्ण आएंगे वो तुकांत, और अगर हम बात करें अतुकांत तो अंतिम समान नहीं आएंगे, तो ये अतुकांत है, तो आंसर क्या है इसमें, डी, तो डी इसका आंसर। बाकी मैंने कुछ क्वेश्चंस इनके और बताए वो आप क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे वो नहीं आएंगे, सो मैंने वो यहाँ पर आपको बता दिए हैं, ठीक है। पहली इनकी जो रचना थी खड़ी बोली की, उस पर भी अब मैंने बात कर ली है। हाँ, जिनके लास्ट में तुक नहीं होता, वो सरस्वती में पहले हेमंत, गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक की, यशोधरा का टाइम बता दिया ना, 32, इसके जस्ट एक साल बाद आई थी, 32। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी इनका उपनाम है, जिसे आप स्नेही बोलते हैं, वैसे नाम में स्नेही है। राष्ट्र प्रेम की कविताएं किस उपनाम से किया करते थे, वीडियो शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और जल्दी जल्दी वो भी। दिनकर जी ने मेघनाथ वध पर लिखा, जयद्रथ वध। ओके, आपके आंसर आ चुके हैं सी और बी, यहां आप जवाब दे रहे हैं मुझे।
देखो सने ही गया प्रसाद शुक्ल की जो रचनाएं हैं दो भावों से थी, एक प्रेम परक और एक राष्ट्र प्रेम वाली थी। तो राष्ट्र प्रेम की जो थी वो वीरता के भावों से थी, वो तो इन्होंने लिखा था त्रिशूल, जो हम मैं बात कर रही थी अभी आएगा। और जो इन्होंने प्रेम परक रचनाएं लिखी थी वो किस उपनाम से लिखी थी? सनेही। तो इनके दो उपनाम यहाँ पर रहे, एक सनेही एक त्रिशूल। तो ये राष्ट्र प्रेम की जो रचनाएं थी वो त्रिशूल, और वैसे जो प्रेम परक रचनाएं थी वो सनेही उपनाम से। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना है, देखिए हाँ, श्रृंगारिक रचनाएं, प्रेम परक श्रृंगारिक रचनाएं सनेही उपनाम से। रचना एक ही है हाँ इनकी, कृषक क्रंदन। ए और बी दो उत्तर आ रहे हैं, अभी कुछ बच्चे बता भी रहे थे इसके अंदर। इसका वर्ण्य विषय भी पूछ लिया जाता है, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। प्रथम जो इनकी रचना है वो कौन सी है बच्चों? रंग में भंग। सबसे ज्यादा जो प्रसिद्धि मिली वो भारत भारती से रंग में भंग 1909 ईस्वी में। राजस्थान के अगर कहें जो राजा है राजपूत है उनसे के आन बान से ये जुड़ी हुई रचना है, तो पहला इनका ये रहा। भारत भारती से सबसे अधिक प्रसिद्धि इन्हें मिली थी 1912 में, इसकी क्या हुई थी रचना हुई थी, और इसी रचना के बाद इन्हें बात करें जो राष्ट्र कवि की थी उपाधि वो दी थी महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। तो साकेत और इन पर बात हो चुकी है, तो आंसर है बिल्कुल बी। मैथिली शरण गुप्त की लोकप्रियता का मूलाधार ग्रंथ कौन सा है? तो हमने अभी बात की है पंचवटी का टाइम, आप इनका याद रख सकते हैं। ये 1925 के अंतर्गत रही है, प्रसिद्ध रही है, और पंचवटी की चीजें चलती भी रही है। साकेत का टाइम 31, यशोधरा 32, और भारत भारती 1912। बहुत बार इनकी रचनाएं मिलान में आ जाती हैं, अभी तो यहाँ पर नहीं लिए हैं मैंने, आगे जब आएंगे बात तब हम करेंगे। तो आंसर जो है लोकप्रियता का जो मूलाधार ग्रंथ है वो भारत भारती है, एक नंबर। काफी बच्चे साकेत सोचेंगे, साकेत नहीं, प्रसिद्धि भारत भारती के नाम से। जब हम बात करते हैं महात्मा गांधी ने इन्हें दी थी उपाधि राष्ट्रकवि की कब, तो 1936 वहां पर टाइम आ जाता है। तो बिल्कुल आंसर भारत भारती, यहाँ गड़बड़ हो जाती, लेकिन पहले ही मैं इसका आंसर बता चुकी, अदरवाइज कई बच्चे हो सकता है साकेत कर देते, जहां 12 उसमें क्या है सर्ग है। देखिए अगला इसके अंतर्गत, अब पहले ही बता दिया प्रमोद, वैसे ये चीजें मैंने आपको पढ़ा भी रखी हैं। अंग्रेज द्वारा बिल्कुल प्रतिबंधित हुई थी और ये तब जेल गए थे भारत भारती की वजह से। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी किसे कहा गया है? आप आराम से जवाब दे दीजिए मुझे, मेरे पास आंसर आ रहा है ए और डी, और बी भी बोल दिया है, प्रेमघन इनका उपनाम है। आप मुझे आंसर दे रहे हैं ए और डी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बद्री नारायण चौधरी, बद्री नारायण वैसे ये शुद्ध नहीं है, बद्री में दै पूरा होगा ये शुद्ध होगा। ये उर्दू में लिखते थे अब्र नाम से, अब्र का अर्थ होता है बादल, बादल प्रिय था। प्रेम घन भी इनके अगर बात करें तो हरियाणा से थे, अच्छा ठीक है। तो प्रेम घन इनका क्या है उपनाम है। और बात करें बाल मुकुंद गुप्त, पूरा नाम आ जाता है बाबू बाल मुकुंद गुप्त, शिव शंभू के चिट्ठे, हास्य व्यंग्यात्मक इनकी क्या रही रचना? पहली पत्रात्मक शैली में रचित रचना भी कौन सी है बाबू बाल मुकुंद गुप्त की? शिव शंभू के चिट्ठे हैं, तो वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। इन्होंने दो पत्रिकाओं का भी क्या किया था संपादन। लेकिन बात करें हम यहाँ पर राधा चरण गोस्वामी, इसका आंसर नहीं है, मैथिली शरण गुप्त नहीं है, आंसर जो है वो है बाबू बाल मुकुंद गुप्त। दो पत्रिकाओं में बात करें एक बंगवासी इनका आता है, एक बंग दूत है जो राजा राम मोहन राय का है,
आप ध्यान रखना ये बंगवासी है और एक इनका है भारत मित्र। ये दो पत्र इनके रहे जिसमें जो बंगवासी है उसे भाषा गढ़ने की क्या कहा जाता है, टकसाल। भाषा गढ़ने की टकसाल, कौन से पत्र को कहा गया, बंगवासी बता दिया। बंगदूत और बंगवासी मिक्स होंगे और बात करें जो बंगदूत है वो राजा राम मोहन राय का पत्र रहा है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, मैंने इनके सारे के सारे आपको क्वेश्चन बता दिए हैं। इनमें से कौन सी कृति राम नरेश त्रिपाठी की है, जल्दी से आंसर दें। वीडियो शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना जल्दी से। गुड इवनिंग, और जो भी रचना है उसका टाइम भी बताने का कष्ट करना, मतलब वो भी बता देना तो जल्दी से क्लियर हो जाएगा। मुझे आंसर तो आपने बता दिया है बी, ठीक है। हाँ कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, ए क्यों बोल रहे हैं नहीं समझ में आया। मैं आपको बता देती हूँ राम नरेश त्रिपाठी जी के बारे में, इनका जो मौलिक कार्य है वो तो आपको पता है कविता कौमुदी है। शुक्ल जी ने भी इसको आधार बनाया था इतिहास लेखन के अंदर, जो कितने भागों में है, 8 भागों में है और 4 भाषाओं में इसका क्या क्या संकलन विभिन्न प्रांतों में घूम घूम कर लिखा था इन्होंने। तो इनकी बचपन से लेकर के बात करें आगे तक की जो कविताएं हैं उनका जो संकलन है वो किस नाम से हुआ, बात ये आती है। आपको पता है पथिक है, मिलन है, स्वप्न है, ये इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत लिखा और बाल पत्रिका थी एक वानर, उस वानर बाल पत्रिका का संपादन किया राम नरेश जी ने। इनका एक क्वेश्चन आता है प्रेमाख्यानक त्रयी, त्रयी में कौन सा शामिल नहीं है, यानी प्रेम की कथानक वाले त्रयी यानी तीन। तो इनके तीन वो खंड काव्य आते हैं जैसे मैंने आपको यहाँ पर बोला था कि पथिक है, मिलन है, स्वप्न है, ये तीनों इनके प्रेमाख्यानक त्रयी खंड काव्य हैं, ठीक है। तो मानसी इनका जो है उस ये स्फुट रचनाएं जिसमें बचपन से लेके प्रौढ़ावस्था तक की कविताओं का क्या किया गया है, संकलन किया गया है। हाँ बिल्कुल रितु, मैंने ट्रिक बताई थी आपको याद है, बहुत ही अच्छी बात है। तो जो मानसी है उसमें अलग है और ये जो टाइमिंग है स्वप्न का वो 29 है, वो 27 के अंतर्गत थी मानसी जो है। तो इनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया, मानसी का टाइम बिल्कुल मैं बता चुकी हूँ 27, पथिक 19 में ही आ चुका था। तो आप ये सारे प्रश्न आप याद रखना इनके, ठीक है। तो आंसर है स्वप्न, क्योंकि अब सारे क्वेश्चंस तो नहीं आ सकते एक साथ, फिर बहुत संख्या है, तो हमने यही क्लियर कर लिया जी। मिस नागर कर लिया आपका परिणाम स्वीकृत। अगला प्रश्न है श्रीधर पाठक की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है, हाँ वो आगे भी आएगा तब बात करेंगे। थैंक यू सुपर हिंदी, अब जल्दी जल्दी आंसर दे दें, वीडियो शेयर चैनल सब्सक्राइब भी कर दें। और आप जो पढ़ रहे हैं नो डाउट अब आपका फटाफट रिवाइज हो रहा होगा, रिवीजन बहुत अच्छे से। आप मुझे आंसर दे चुके हैं सी और डी, ओके दो उत्तर आ रहे हैं सी और डी, ए भी आ गया है, सब अलग अलग बता रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं इनकी ये जो तीनों रचनाएं श्रीधर पाठक की ये अनुदित रचनाएं हैं, जो इन्होंने गोल्ड स्मिथ एक विद्वान है उनकी रचनाओं का क्या किया है अनुवाद। आपसे पूछ सकता है कौन सी रचना का अनुवाद किया है, तो एकांतवासी योगी जो है वो इन्होंने हर्मिट रहा गोल्ड स्मिथ का, उसका अनुवाद किया है। अगर बात करें शांत पथिक ट्रैवलर यात्री को बोलते हैं या द ट्रैवलर का है, और उज्जड़ ग्राम
एक इनकी ये रचना आई जी। हाँ, आप लोगों ने सही बताया है, उज्जड़ ग्राम जो है, क्योंकि मैं तो पूछ रही हूँ ब्रज भाषा, इसका मतलब इन दोनों का अनुवाद खड़ी बोली के अंतर्गत हुआ है, आपको यही पता चल गया। यहाँ बात करें उज्जड़ ग्राम, तो उज्जड़ ग्राम जो है वो ब्रज भाषा के अंदर है, इसका जो मूल रूप है अनुवाद है वो डेजर्ट विलेज, कई जगह डेजर्टेड भी लिखा हुआ है, विलेज से पता कर लोगे ग्राम। ट्रेवलर यात्री, तो पथिक यात्री हो गया, और हर्मिट योगी को बोलते हैं, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कौन सा किसका है। तो उज्जड़ ग्राम जो है वो इन्होंने ब्रज में किया है, और इन दोनों का अनुवाद इन्होंने किस में किया था, खड़ी बोली में किया था, ठीक है। स्वच्छंतावाद का प्रवर्तक माना है इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, किसको, श्रीधर पाठक को, और दूसरा स्वच्छंदवाद का जो प्रवर्तक माना वो माना था राम नरेश त्रिपाठी को। अगला प्रश्न, कविता कामिनीकांत, भारतेंदु प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर, सुधाकार नहीं है ये सुधाकर है, चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, उपाधियों से सम्मानित कवि कौन है, ये इनके उपनाम है, इसलिए मैंने सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिख दिए हैं, उपनाम इकहरे उद्धरण चिन्ह में होनी चाहिए। फटाफट, अब क्वेश्चन कितने बन सकते हैं पेपर वाले पर डिपेंड करता है, कैसे पूछता है, मिलान से पूछता है, वैसे पूछता है, 25 से 30 तक तो आएंगे ही, क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, पढ़ा हुआ होना चाहिए, मिलान में पूछ सकता है, सिंगल पूछ सकता है, अब युद्ध भूमि में जाओगे तो कैसा भी हो सकता है युद्ध का रूप, तो वो आपको वहां तैयार करना पड़ेगा, अस्त्र शस्त्र कौन से आप लेकर जा रहे हैं। प्रसिद्ध रचना थी इनकी गर्भ रंडा रहस्य, और बात करें ये सारे इनके उपनाम, सॉरी गलती से लग गया, नाथुराम शर्मा शंकर के उपनाम है, शंकर भी उनका उपनाम है, और इसी उपनाम से गर्भ रंडा रहस्य के अलावा इन्होंने लिखा था शंकर सर्वस्व, तो ये इनका आ जाता है गर्भ रंडा रहस्य, ये आप याद रख सकते हैं, और ये सब इनके उपनाम है, शंकर भी इनका उपनाम है। हिंदी कोविद रत्नमाला किसकी रचना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, राय देवी प्रसाद पूर्ण, श्याम सुंदर दास, नाथुराम शर्मा शंकर, और मैथिली शरण गुप्त, ये आपके यहाँ पर है, जल्दी जल्दी जवाब दे दो। हाँ बिल्कुल, आप पहले वाली बुक में से मेथड के क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, उसमें सारे हैं, उसी में से आपके यहाँ लिया गया है, जल्दी जल्दी आंसर बता दो। हेलो दिनेश, आज आप लेट हो गए, वेल जल्दी जल्दी जवाब दो। हाँ मैंने पहले ही बोल दिया, बेटा ओनली हिंदी का अलग से नहीं आ पा रहा है, आप इसी में से ले ले, क्योंकि उसमें वो टॉपिक्स इतने ही हैं और हम उसको अलग से नहीं कर पाए उसमें, तो वो तो मैं समझ गई आपकी बात, क्या आप परेशान वहां से हुए हैं, आप वहां पूरा ले सकते क्योंकि उसमें वो चीजें पूरी पढ़नी पड़ेंगी, आपने बिल्कुल सोबारी ही कह दिया है मुझे, मैंने भी मान लिया है आपकी बात को, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं माना है। आपके आंसर आ चुके हैं ए और बी, आप बता रहे हैं, वैसे आप जवाब दे सकते थे जी। श्याम सुंदर दास, हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास की है, ठीक है। राय देवी प्रसाद पूर्ण वाला रूप नहीं है जीवनी में। द्विवेदी युग को सुधार काल क्यों कहा गया है, बताओ भाई, इसमें सभी कवि सुधारवादी थे, इस युग में काव्य और भाषा में सुधार की प्रवृत्ति मुख्य थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी सुधारवाद के प्रवर्तक थे, इनमें से कोई नहीं। एक्चुअली जागरण सुधार काल का है ना, क्यों कहा गया इसे सुधार काल या जागरण सुधार काल,
तो 19 का आंसर आना शुरू हो गया है, सभी कह रहे हैं बी। बिल्कुल, अगर हम लोग बात करें यहाँ से तो आंसर बी सही है आपका। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जागरण सुधार काल, इससे पहले खड़ी बोली भी अपने वास्तविक रूप में नहीं थी। यहाँ आने के बाद सरस्वती पत्रिका के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहें खड़ी बोली की हिंदी को पूर्ण रूप दिया, यानी विराम चिन्ह वगैरह, वाक्य निर्माण वगैरह सब सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उन्होंने स्थापित किया। और ब्रज भाषा के साथ फिर इसका मतलब खड़ी बोली की यहाँ पर क्या हो गई थी, शुरुआत हो गई थी। तो ये आंसर जो है वो ये ए की बजाय बी इसका आंसर है। लगभग हर बच्चे ने आंसर सही दिया है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? हाँ, खड़ी बोली को परिष्कृत किया है महावीर जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से। मेरे पास आंसर आना शुरू हो गया है। एक के सुर से आया जा रहा है अमीर खुसरो। ओ ए भी आ गया है सरप्पा। सी भी आ गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कितने आंसर दोगे? अब तो बी आ चुका है अमीर खुसरो। वेरी गुड। डी भी दिया है रविंद्र कुमार ने, आंसर दिया है डी। बाकी सबके आंसर हैं बी, मतलब अलग कम का ही आया, लगभग का बी है। तो आंसर बी नहीं है, बी तो नहीं है। ओहो, एक बच्चे ने तो जैसे मैंने कहा तो कह रहा ओ मैंने गलत जवाब दे दिया। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सबके गलत, थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लिया करो, अदरवाइज मार खाओगे। मैंने ये नहीं पूछा खड़ी बोली हिंदी के प्रथम प्रयोगकर्ता। ये तो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम प्रयोगकर्ता हैं। मैंने ये पूछा क्या प्रश्न में कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तब तो आप खुशरो बोलते। ये पूछ रहे खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन सा है, कवि पूछा है। मैं तो शुरू से लाई हुई हूं मनीष जी कोर्स, ये जो भी भैया हैं, तो आप वहां ध्यान नहीं दे पाए। तो खड़ी बोली का जो कवि है वो इसमें जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? श्रीधर पाठक। प्लीज लैंग्वेज को समझिएगा, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ करके आएंगे। समझ में आ गई बात आपको? अब ये क्वेश्चन था, मैंने खुसरो जानबूझ कर रखवाया था। यहाँ खुसरो था नहीं एक्चुअली जब ये क्वेश्चन में आया था, मैंने यहाँ पर लगवाया था कि आपको इनमें अंतर नहीं पता चलेगा। अगर खुसरो नहीं होता तो शायद आप सरप्पा करते। वहां पर सरप्पा का जो क्वेश्चन आता है वो है हिंदी का प्रथम प्रयोगकर्ता। अंतर तो देखो कितनी बार हमने ये क्वेश्चन कर लिए। हिंदी के प्रथम प्रयोगकर्ता या प्रथम कवि सरप्पा हैं, राइट? हमने हिंदी की बात नहीं की, हमने खड़ी बोली की बात की। तो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम प्रयोगकर्ता खुसरो हैं, और श्रीधर पाठक खड़ी बोली का प्रथम क्या है, कवि है। तो मुझे पता था आप गलत करोगे, तभी तो मैंने इस चीज को किया है यहाँ पे। अब आप सोच लो आप लोग क्या करने वाले हैं। अभी तक ये पहला गलत हो रहा है, और ये चीज मैंने कितनी बार आपको बता दिया है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि सरल प्रश्न ही गलत होंगे, क्योंकि आप सोचेंगे ही नहीं उसके बारे में। एग्जाम टाइम पर होगी क्या रीट के? मैं तो यही कहूंगी, मैं जो दिया हुआ बेटा मैं उसके खिलाफ कैसे बोल सकती हूँ। बाकी हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जिस हिसाब से चीजें चल रही है थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, बट कुछ भी कर सकती है, सरकार है।
जी मनीष जी धन्यवाद, आप नहीं आएंगे तो ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता आपने निवेदन क्या किया था। मैं जिस समय लेकर आई थी मैंने बहुत पहले कह दिया था, और ये मेरी मर्जी नहीं थी, वो आया था जो ऑफर आया था मैंने कह दिया था कि सेकंड ग्रेड वगैरह में ये वापस से नहीं आएगा, ठीक है। अब वो आप जाने देख लीजिए। इसमें कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की नहीं है? राम राम अलोक। वीडियो शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब भी कर दो। अच्छा खाना बनाते हुए क्लास ले रहे हो, बढ़िया। आप खाना तो बना रहे हो, ठीक है मनीष। मैं एक बार फिर से कोशिश कर लूंगी कि लेवल फर्स्ट ओनली हिंदी का कोर्स बनाओ, रिकॉर्डेड बनेगा। वो नाराज हो जाते हैं, उस बच्चे ने बहुत बार कह दिया फर्स्ट लेवल का कि कोर्स ले आइए। मैं वो कि मैं सोच रही हूँ इतने स्टूडेंट्स ने ये बनाए नहीं, ये वाला ही ले लो, अब वो फिर भी कह रहे हैं तो ठीक है। ओके हाँ मैं बातें नहीं करूँगी तो मैं क्या करूँ, आप आंसर तो दो। तो कौन सी रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की? तो रश कलश, ये अगर बात करें ये इनका बच्चों रीति काव्य है, ब्रज में, ब्रज भाषा में। चुभते चोपदे ये हास्य व्यंग्यात्मक रचना है इनकी। प्रिय प्रवास ये इनका खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, ठीक है, 1914 में था। प्रिय प्रवास में कितने सर्ग थे? 17, 18, 19, 20 कितने? ठीक है मनीष मैं एक बार देखूंगी, रिकॉर्डेड में देखती हूँ। ओके हाँ ये ब्रज भाषा में लक्षण ग्रंथ, तो रीति काव्य लक्षण ग्रंथ से ही बनता है, मैंने बताया था आपको रीति काल में, तो लक्षण ग्रंथ है पर ये ब्रज में है, ठीक है। वैसे ही रस से पता चल जाएगा, रसों का वर्णन है। प्रिय प्रवास में सर्ग मैंने पूछे थे, 17 सर्ग हैं बिल्कुल। और तो ये तीनों इनकी रचनाएं हो गई, तो इसका मतलब कौन सी रचना नहीं है इनकी? मृत्युंजय। तो ये इनकी रचना नहीं है। आगे की बात कर ले, किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना गया है? साहित्य संदेश, सरस वती, ये अशुद्ध है, मैं भी अशुद्धि लिख रही हूँ फिर से। कौन सी क्लास को नहीं पढ़ा है? सारी क्लासें पढ़ा रखी हैं ऐप में। बी और ए आंसर आपने बताना शुरू किया है, दो आंसर। साहित्य संदेश, साहित्य संदेश सुना भी है आप लोगों ने जो ए आंसर दे रहे हो? हाँ पिंकू बिल्कुल, यूजी ने जीआरएफ के लिए बिल्कुल हम बात करेंगे। ओके मनीष बेटा मैंने सुन ली, ठीक है हिंदी के लिए लेके आना है। सरस्वती, सरस्वती अगर बात करें बच्चों मुख्य पत्रिका रे, इवन कहें द्विवेदी जो काल है उसकी नींव इसी पत्रिका से आप मान सकते हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 ईस्वी में इसका संपादन किया था और 20 तक किया था। यो शुरुआत इसकी 1901 से हुई थी, उसके बाद ये रुकी और फिर पुनः संपादन किया हुआ था 1903 से। और इसकी जो नींव रखने वाले हैं वो थे चिंतामणि घोष। तो ये आंसर हमारे यहां से हो गए, तो आंसर आ चुका सरस्वती। खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? आनंद कादंबनी है।
सेकंड ग्रेड की क्लास आप प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी से ले सकते हैं। वीडियो शेयर, चैनल सब्सक्राइब भी करना है। हाँ आ चुकी है, एक बार मैं देखूंगी फिर मैं आपको बताऊंगी केवीएस के लिए। बिल्कुल सेट के बारे में भी बताएंगे। स्टेट लेवल का आपका है, होने जा रहा है, सुनने में है कि है, तो तैयारी आप करेंगे तो डेफिनेट अच्छा होगा। आपका आंसर आ चुका है बी और डी, इसमें दो मुझे जवाब दिए हैं आप लोगों ने, अब तो मुझे सोचना ही पड़ेगा। हाँ एक आंसर मैथिली शरण गुप्ता आया है, एक महावीर प्रसाद द्विवेदी आया है। आपकी आवाज बंद होगी भगवती किशोर, अदरवाइज तो बहुत अच्छे से आवाज आ रही है। अरे आवाज आ रही है या नहीं बोलो। टेस्ट क्लासेस भी इसी ऐप में मिलेंगी, टेस्ट सीरीज है अवेलेबल। क्वेश्चन समझिए जरा, ये कह रहा है खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे जाता है। कुछ कह रहे हैं मैथिली शरण गुप्त। अच्छा मैथिली शरण गुप्त जी कैसे आ गए जरा बताना मुझे। अरे उससे पहले कुछ महावीर जी कह रहे हैं, महावीर जी ने खड़ी बोली हिंदी को स्थापित शुद्ध परिष्कृत करने का कार्य किया था, वो कह रहे काव्य भाषा के रूप में। मैं आपको बताऊं अभी इसका आंसर गया था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, ये इसका आंसर है जो लगभग बच्चों के आंसर में नहीं आया। कुछ बच्चे श्रीधर पाठक बता रहे हैं, जरा लैंग्वेज को देखना, पता ही नहीं क्या ही करते हो। क्या पूछ रहा है ये, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि ना कि काव्य भाषा के रूप में स्थापित कर रहा है, ये कह रहा है कवि कौन सा है, ये प्रथम प्रयोग करता है, इसलिए मैंने यहां से साफ नहीं किया है। अरे द्विवेदी काल में ही इतने आपके पास रूप आ रहा है, क्या करेंगे पता नहीं है, जरा समझो इसे। ये कह रहा है खड़ी बोली का प्रथम कवि, तो प्रथम कवि में अमीर खुसरो न होकर के श्रीधर पाठक, प्रयोगकर्ता अमीर खुसरो, हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा, ये तो खड़ी बोली का प्रथम कवि है। इसके जस्ट बाद आप देखो एक बार, हमने यही तो पढ़ा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की नहीं है रचना। प्रिय प्रवास अभी बताए ना खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा, तो आप लोगों को ये समझ में नहीं आया क्या, हिंदी को काव्य भाषा खड़ी बोली को। अरे जब तक हरिओद जी का ये नहीं आया था प्रिय प्रवास, उससे पहले विद्वान ये कहते थे कि जो खड़ी बोली है उस खड़ी बोली में सिर्फ हम गद्य लिख सकते हैं, ये पद्य के सफल नहीं है भाषा। वहां बात करें हरिओत जी ने जब प्रिय प्रवास लिखा 1914 में, जो महाकाव्य था, इस महाकाव्य के आने के बाद ये डिसाइड हो गया नहीं, जितना सफल प्रयोग खड़ी बोली का गद्य में हो सकता है उतना ही सफल प्रयोग पद्य में भी हो सकता है, और वो किस रचना के बाद हुआ, प्रिय प्रवास। तो ये कह रहे हैं खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित जिसने किया तो वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत थे। आप क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं, आपको दिख रहा है सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, ये सेकंड ग्रेड का मॉडल टेस्ट पेपर है, इसीलिए कई बच्चे तो है ना ये कह देते गलतियां ही बहुत हो जाती हैं। हाँ कुछ जगह मिसप्रिंट होती है तो वो हम कर ही देंगे। अब तो नजर तो लगी रही है, नहीं तो ऐसी क्या बात है बेटा, कोर्स तो बेटा चल रहा है, बट अब मैं क्या बताऊं। आगे देखिए, हाँ बिल्कुल, आधुनिक हिंदी गद्य के प्रवर्तन का श्रेय किसे जाता है। मॉडल टेस्ट पेपर में क्वेश्चन तो बढ़िया ही दिए हैं, हम मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे ये पेपर के बाद डिसाइड होगा, राइट। हर शिक्षक सोचकर यही पढ़ाता है कि यहीं से ही बने।
जल्दी जल्दी वीडियो शेयर, चैनल सब्सक्राइब। अरे निराश नहीं होना है, यहाँ गलतियाँ आपको कम से कम पता तो चल रही हैं। मैं बता रही हूँ ना, बाद में नहीं होगी। सोचो अगर आपने यहाँ नहीं पढ़ा होता तो कितना गड़बड़ हो रहा होता। आने के बाद फिर कहते ना आते आते गलत हो गया। जी आंसर आ चुका है ए, यहाँ आ गए आप सही। ये कह रहे हैं हिंदी गद्य है, तो गद्य का जो परिवर्तन है वो किस को जाता है श्रेय? भारतेंदु हरिश्चंद्र को, क्योंकि इससे पहले पद्य का ही पाठ था, तो भारतेंदु काल में हरिश्चंद्र जी को जाता है। आरंभिक खड़ी बोली गद्य के कौन से दो आधार स्तंभ है? फोर्ट विलियम कॉलेज में जो कलकत्ता में था, भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त थे। फटाफट खून का टीका तो नहीं पता, बस शुक्ल के निबंध वगैरह जरूर पढ़ा दूंगी, इत्मीनान करके चल सकते हो। हाँ कुछ गलत होंगे कुछ सही होंगे। हाँ बेटा मैंने आपकी बात सुन ली, अभी टाइम लगेगा ऐप के अंदर। ओके आपके आंसर आ चुके हैं ए और सी दो, मेरे पास बी भी आ गया है। भाषा मुंशी के रूप में लल्लू लाल जी तो डेफिनेट थे, तो इसका मतलब ये दो तो वैसे ही निकल जाते आप लोगों के, क्योंकि इनमें लल्लू लाल जी कहीं नहीं है। खड़ी बोली जो नामकरण है वो भी लल्लू लाल जी की ही देन है, और इन्होंने प्रेम सागर जो इनकी रचना है उसमें इन्होंने खड़ी बोली ये नामकरण दिया था, तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। और शदल मिश्र ये इसके अंतर्गत है, तो यहाँ पर आंसर ये है, ठीक है ए। भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा दी है? जल्दी से बेटा, खून का टीका बहुत लंबा है, एक आध दिन में हो जाए तो बता दे आधे में क्या करें। और बाकी मैंने उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको दे ही दिए हैं, ए और सी दो उत्तर बता रहे हैं आप मुझे, ठीक है। मॉडल टेस्ट बुक ली है, बहुत अच्छी बात है बेटा। ए और सी आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं इन नंबरों से, और रीट की थर्ड ग्रेड की बुक भी आ चुकी है। प्रबोधिनी, प्रबोधिनी है जिसमें इन्होंने इस कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए बोला सी, फूलों का गुच्छा ये इनकी खड़ी बोली की है, भारतेंदु जी की खड़ी बोली की रचना, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, फूलों का गुच्छा भी काफी बार आ जाता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आगे की बात करेंगे, रोहू सब मिली आओ भारत भाई पंक्ति किसकी है? भारत दुर्दशा देखी न जाई ये है, होली जलाई गई थी। एक क्वेश्चन तो आएगा ही आरती शर्मा, उसकी इच्छा होगी तो हर बीए के क्वेश्चंस में से जो है वो एक 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 क्वेश्चन वो देगा ही देगा, तो आ सकती है एक क्वेश्चन। वेरी गुड, भारत दुर्दशा के अंदर से बिल्कुल सही आपका आंसर, भारतेंदु जी का ये कथन है। पूरी अमी की कटोरिया से चिर जोवी जीवो विक्टोरिया रानी, समस्या के पूरा होने पर किस कवि को सुकवि की उपाधि प्रदान की गई थी? थैंक यू मन्नू। और इन मॉडल टेस्ट पेपर में जो गलतियां हैं कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, वो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, देख रही हूँ, और उनमें जो करेक्शन होगा वो मैं टेलीग्राम पर फिर डाल दूंगी जल्दी इस संडे तक।
पेपर आने के बाद पता चलेगा कैसा आता है बेटा पेपर, तब पता चलेगा कितने मार्क्स चाहिए। ए बी सी बिल्कुल। आप सुकवि से बात कर सकते हैं, अंबिका दत्त व्यास को मिली है ये उपाधि और इसके बाद मिली है समस्या के बाद। तो इनकी एक रचना थी समस्या पूर्ति सर्वस्व, वो भी अंबिका दत्त जी की है। और समस्या पूर्ति जो है वो भारतेंदु काल की प्रमुख क्या रही है विशेषता। पहली जो समस्या है वो प्रताप जी की मानी जाती है, वो भी आप क्या रख सकते हैं ध्यान रख सकते हैं। और उसको हम लोगों ने पहले की रचनाओं में भी लिखा था, मतलब पढ़ चुके हैं। हाँ सुकवि सत्साई, तो सुकवि सत्साई तो ठीक है, बाकी समस्या पूर्ति सर्वस्व भी यहाँ पर आ जाता है। तो आंसर है अंबिका दत्त व्यास। पीयू पूछे तब पपीहा कहा, कह रहे हैं कहीं बता दो। तो पीयू पूछे जब पपीहा कहा, यह है पहला उसके अंतर्गत समस्या। बिहारी के दोहों का कुंडलिनी में विस्तार इनमें से किस कवि ने किया? आपके पास नाम है अंबिका दत्त व्यास, जगन्नाथ दास रत्नाकर प्रेमघन और नवनीत चतुर्वेदी। मिश्र की वो बता दिया, पपिया जब पूछे प्यू कहा, क्वेश्चन पूछा था वैसे, क्वेश्चन हम पहले कर भी चुके हैं। वेरी गुड, मेरे पास आंसर आ रहे हैं ए और बी दो, एक जगन्नाथ दास रत्नाकर और एक अंबिका दत्त व्यास। मैं सबसे पहले आपको बता दूं इसमें आप जो रत्नाकर जी का नाम दे रहे हैं, इन्होंने उद्धव शतक लिखा था, राइट। ये पूछ रहा है बिहारी के दोहों का कुंडली, वो कुंडलिनी छंद में नहीं था, कुंडलिनी जो लिखा है वो अंबिका दत्त व्यास जी ने लिखा है। बिहारी बिहार के नाम से ये क्या की गई है रचना, अंबिका दत्त व्यास, ठीक है। नागरी नीरद इनकी पत्रिका, एक आनंद कादंबिनी। रहीम के दोहों पर कुंडलियां किसने बनाई? ठाकुर जगमोहन सिंह ने, अंबिका दत्त व्यास ने, राधा कृष्ण दास ने और दुर्गा दत्त व्यास ने। यहां रहीम के दोहे हैं। बी और सी दो आंसर आ रहे हैं। देखो जी बी तो आएगा नहीं, अभी आपको समझा के गई हूं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे थे तो। वो बिहारी जी के ऊपर लिख चुके हैं, वो तो सारी तो ये नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो राधा कृष्ण दास जहां हम बात करें तो बहुत अच्छे से आपको पता है कि भारतेंदु जी के फुफेरे भाई माने जाते हैं और उनके सती प्रताप को इन्होंने क्या किया था, पूरा किया था। निसाय हिंदू इनकी रचना है क्या? हाँ, तो वो ध्यान रख सकते हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह इन्होंने भी रचना लिखी थी प्रकृति परक, जिसमें नाम आता है श्यामा स्वप्न, वो भी आप याद रख सकते हैं। ओके, ठाकुर जगमोहन सिंह की श्यामा स्वप्न, बीच बीच में कविताएं हैं। निसाय हिंदू राधा कृष्ण दास जी की रचना है ही, इन्होंने रहीम के दोहों पर बाकी कुंडली में लिखा था। फूलों का गुच्छा नाम था राधा कृष्ण ग्रंथावली। फूलों का गुच्छा रचना के रचनाकार हैं, ये तो बता ही दोगे, इसका टाइम भी किसी को पता हो तो बताना। क्या 1880-81 ऐसे क्या टाइम है? आंसर तो मुझे बता दोगे। अरे वाह, आंसर आ गया है टाइम का भी, 82। मैंने 81 तक तो बोल ही दिया था, 80-81 तो आपको थोड़ा सा हिंट तो मैंने दिया, 82। 3 मत करना पहले, 82 तो भारतेंदु जी का है, खड़ी बोली की है, 82 के अंतर्गत 82 में है। प्रेम संपत्ति लता के रचयिता कौन है? चार ऑप्शन है आपके पास, बता दो। जल्दी से आंसर दो, प्रेम संपत्ति लता की रचयिता कौन है?
हिंदी की ऑब्जेक्टिव बुक तो कब की आई हुई है? दशरथ विलाप भी इनकी खड़ी बोली की है, बाकी वो इतनी आई हुई नहीं है, ये बता दो आप तो जल्दी से बता दो। पर आंसर आने लग गए हैं मेरे पास, ए और बी दो उत्तर बता रहे हैं आप लोग। मैं आपको बता देती हूँ, ठाकुर जगमोहन सिंह इनके रचयिता हैं प्रेम संपत्ति लता के। पावस पचासा कृति की रचयिता कौन है? सुभद्रा जी, अंबिका जी, दिनकर जी, निराला जी। जी नंदू जी लेट हैं, ओके। हाँ गया प्रसाद जी की कृषक क्रंदन थी जो मैंने बताई आपको। वीडियो शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। आंसर मेरे पास आ चुका है, अंबिका दत्त व्यास। बिल्कुल आपका आंसर 100% सही है, पावस पचासा अंबिका दत्त व्यास की है। हो होरी किसकी काव्य कृति है? इसीलिए मैंने बात नहीं की थी क्योंकि आगे आ ही रही हैं तो आप बता देंगे इसमें, जरा जल्दी से बता दो। 35 ए और बी, माय गॉड। हो होरी अभी बात हो ही रही थी अंबिका जी की, बहुत बार आ चुकी है। हो होरी अंबिका दत्त व्यास। कानपुर के रसिक समाज से किस कवि का संबंध था? शायद एक बच्चे ने यहां से आंसर भी दिया था मुझे, और मतलब कानपुर से संबंधित है ये, एक बच्चे ने जवाब दिया था, मैंने उस समय बोला नहीं था, बट अब आप ये कर सकते हैं फटाफट, जल्दी से आंसर दे दो। प्रताप नारायण मिश्र सी आ चुका है आंसर, कुछ बच्चे बी भी दे रहे हैं मुझे। वैसे मैंने कहा एक बच्चे ने पहले आंसर दे चुका है और आप बहुत अच्छे से आंसर दे चुके, कानपुर प्रताप नारायण मिश्र, बिल्कुल ये इनका आंसर है प्रताप नारायण मिश्र का। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा इन्होंने दिया था आपको पता है, तो ये भी आप ध्यान रखना। और पत्र इनका आगे बात करेंगे तो ये देखो, नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? जल्दी से बता दो। अभी हमने बात किए थे, आप लोगों को शायद टाइम लग रहा है, नागरी नीरद इसका मतलब ये साप्ताहिक है, तो इनका एक था आनंद कादंबनी। आनंद कादंबनी जो है वो था मासिक इनका पत्र, तो वो मासिक है आनंद कादंबनी, और नागरी नीरद इनका कौन सा है? साप्ताहिक है, तो ये दोनों आप ध्यान रख सकते हैं। प्रेमगन सर्वस्व इनकी रचना है। कौन सा हिंदी कवि अबरूप नाम से उर्दू में कविता लिखता था? हमारी ये भी बात हो चुकी है, आप सिर्फ आंसर ही देंगे तो क्लियर हो जाएगा आपका इसमें। हाँ कईयों ने तो टाइम भी बता दिया है इनका, ठीक है। तो अबरूप नाम से किसने लिखा था? तो प्रेम घन, मैंने बता दिया बादल इन्हें प्रिय था, तो उर्दू में ये किस नाम से रचना करते थे? अब्र नाम से। कई कह रहे भारतेंदु, भारतेंदु जी उर्दू में किस नाम से लिखते थे? अब्र थोड़ी ना, भारतेंदु जी ने तो रसा उपनाम से लिखा है उर्दू में, इन्होंने तो रसा उपनाम से लिखा था उर्दू के अंदर, समझ में आई बात? प्रेम घन ने लिखा है इसमें, तो भारतेंदु ने रसा उपनाम से। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था?
बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी और प्रताप नारायण मिश्र। पुष्टि मार्ग आप सबको ही पता है, सूरदास जी वाले उसमें आप लोगों ने पढ़ा है। पुष्टि मार्ग के सबसे बड़े जो प्रचारक हैं वो आए ये सूरदास जी। तो ये पूछ रहे पुष्टि मार्ग से कौन थे, मेरे पास आंसर आ रहा है बी और ए। कुछ कह रहे हैं बालकृष्ण भट्ट है और कुछ कह रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र है। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बी बी और ए। हाँ हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा तो मैंने बता ही दिया ना आपको, वहां से तो मैंने लिया ही नहीं है। ओहो डीबी आ गया है, प्रियंका उपाध्याय कह दिया नहीं जी जी आपका भारतेंदु ही है। वैसे ही क्वेश्चन आपको बहुत मिलता है और आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। पुष्टि मार्ग का क्वेश्चन भारतेंदु जी का बहुत बार आ चुका है तो यही है बी आंसर, लगभग का सही था, कुछ बच्चे भट्ट पर जा रहे थे। कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु काल की है, ये तो बताई दोगे, समस्या पूर्ति ये है। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी काल की आ गई, भाषा में लाक्षणिकता ये छायावाद का रूप हो गया, तो ये भी संस्कृत के वर्ण वृत्तों का प्रयोग ये इसमें इतना नहीं हुआ था, तो समस्या पूर्ति इसकी मेन रूप आता है, तो बी इसका आंसर। वे प्राचीन और नवीन का योग इस ढंग से करते थे कि कहीं से जोड़ नहीं जान पड़ता था, भारतेंदु युग के कवियों के विषय में यह टिप्पणी किसकी है। ये क्वेश्चन फटाफट हो गए हैं क्योंकि ये सारे आ चुके, मैं समझा चुकी इसलिए आ गए। वेरी गुड, इस बार शुक्ल का एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता था, तो बिल्कुल ये जो आंसर है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, कि पुराने और नए के बीच में जो जोड़ किया पता ही नहीं चला, बिना शुक्ल के तो गड़बड़ी हो जाती है। हाँ रहीम की दो पर कुंडली, ये तो रिपीट हो चुका है, राधा कृष्ण दास जी का है ये क्वेश्चन रिपीट। हमारा उत्तम भारत देश किसकी रचना है, काफी बार आ चुका है क्वेश्चन। हाँ राधा कृष्ण दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी और डी, हाँ और लो जी ए भी आ गया, ए आ गया है, बी आ गया है और डी आ गया है। राधा हमारा उत्तम भारत देश, बाकी बच्चे कह रहे हैं राधा कृष्ण दास जी की है, कुछ कह रहे हैं राधा चरण गोस्वामी, ये दोनों अलग अलग है विद्वान, तो आपको बता देती हूँ। अच्छा राधा कृष्ण दास की तो हमने लगभग रचनाओं पर बात भी कर ली, फिर भी आप कहाँ से वहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं पता नहीं। एक भारत बार है मासा इनका आ जाता है, एक राधा कृष्ण ग्रंथावली है ही जो अभी रहीम के दोहों वाली आई थी वहाँ पर वो हो चुकी है, एक निस्साय हिंदू वाला हो चुका है। अब ये दोनों नाम आपके मिक्स हो जाते हैं इसलिए गड़बड़ है। भारतेंदु जी है नहीं, बाबू बाल मुकुंद गुप्त भी नहीं है, सारे उत्तर आ चुके हैं इसमें, तो इसका मतलब राधा चरण गोस्वामी। पता ही नहीं कितने ही आंसर, चारों उत्तर दे दिए आपने। प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है, ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए छोड़ देते हैं, जगमोहन जी की। हिंदी प्रदीप अखबार किससे संबंधित है, जल्दी से बता दो, मेरी आवाज पीछे चल रही है हो सकता है। ए और बी, ओहो और सी बी, हे भगवान। ब्राह्मण पत्र किसका है,
कई बच्चे यहाँ प्रताप नारायण मिश्र दे रहे हैं, कई बालकृष्ण भट्ट दे रहे हैं, यानी इतना हिंदी प्रदीप और ब्राह्मण पत्र दोनों बहुत प्रसिद्ध हुए और काफी बार पूछे जाते हैं, लेकिन आप यहीं पर गड़बड़ कर रहे हो। बालकृष्ण भट्ट का है हिंदी प्रदीप, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था। आप लोगों का यहाँ से गड़बड़ हुआ है ये क्वेश्चन, तो आप इन दोनों को क्या रखें याद कि कौन सा पत्र किसका है, समझ में आई बात? तो प्रताप नारायण मिश्र जी का है ब्राह्मण और हिंदी प्रदीप किसका है, बालकृष्ण भट्ट का है। तो बच्चों ये हमारे 45 क्वेश्चन हैं इसके अंतर्गत, तो आप नेक्स्ट के अंतर्गत ध्यान रखेंगे कि अच्छे से और तैयारी करनी है। बिल्कुल प्रताप नारायण जी को एडिशन शुक्ल जी ने तुलना की थी और बालकृष्ण भट्ट जी के स्टिल से की थी, तो वीडियो शेयर भी कर देना है, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना है, फिर आगे मिलेंगे। हाँ, 4 मास बीते जजमान ब्राह्मण में प्रताप नारायण जी की ये पंक्ति है जो भी अच्छी है, 4 मास बीते जजमान अब तो करो कुछ दक्षिणादान, ये इन्होंने लिखा था। तो बिल्कुल शुभ रात्रि आप सभी को, नेक्स्ट में फिर मिलते हैं, चलिए धन्यवाद।